इनकम अंडर द हेड सैलरीज में वी वर डिस्कसिंग परक्विजिट्स सेक्शन 17(2) और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे परक्विजिट ऑफ मोटर कार. परक्विजिट ऑफ मोटर कार और इसमें मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था परक्विजिट ऑफ मोटर कार में. क्या चार्ट था देख लेते हैं. ये देखिए बेटा, ये चार्ट था आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर मोटर कार. कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई या फिर एम्प्लॉई ओन्स अदर देन व्हीकल अदर देन अ कार. कार अगर एम्प्लॉयर की है तो दो पार्ट्स हैं, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉई बियर कर रहा है. अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और कार फुली ऑफिशियल वर्क के लिए यूज हो रही है तो वैल्यू विल बी निल. पूरी की पूरी घर के काम के लिए इस्तेमाल हो रही है तो जितना एक्चुअल खर्चा हुआ उसमें ड्राइवर की सैलरी ऐड कीजिए प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कीजिए 10% ऑफ द कॉस्ट. और माइनस अगर आपने कोई अमाउंट पे किया है एम्प्लॉयर को वो माइनस कर दीजिए, वो टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपने कार यूज करी है पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट वर्क तो वहां पर आपको खर्चा वर्चा नहीं देखना, आपने डायरेक्टली 1800 या 2400 ले लेना है. स्मॉल कार के केस में जो कि 1.6 लीटर सीसी से कम की है, दैट इज अ स्मॉल कार, उसमें आप 1800 पर मंथ ले लेंगे. और बिग कार के केस में 2400 पर मंथ ले लेंगे, ऐड करेंगे 900 अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है. यहाँ पर नोटिसेबल पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर एम्प्लॉई कुछ पे कर रहा है एम्प्लॉयर को तो वो यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा. कार एम्प्लॉयर की है लेकिन एक्सपेंसेस एम्प्लॉई बियर कर रहा है फुली ऑफिशियल वर्क के लिए निल. पूरा का पूरा घर के इस्तेमाल के लिए तो यहाँ पर सैलरी और डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड. एंड पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट है तो यहाँ पर 1800 की जगह 600 होगा, 2400 की जगह 900 होगा और ड्राइवर के लिए 900 ऐड करेंगे. लेकिन यहाँ पर भी अगर एम्प्लॉई कुछ पे कर रहा है तो उसकी रिकवरी माइनस नहीं करी जाएगी. सेकेंड केस हमने किया था कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, फुली ऑफिशियल पर्पस है निल, फुली प्राइवेट है. एक्चुअल एक्सपेंसेस में ड्राइवर की सैलरी ऐड करेंगे लेकिन आप डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो कार है वो एम्प्लॉई की खुद की है. सो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे अगर एम्प्लॉई कुछ पेमेंट कर रहा है. एंड पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट के केस में एक्चुअल एक्सपेंसेस में से आप स्मॉल कार के लिए 1800, बिग कार के लिए 2400 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 900 अगर आप ड्राइवर को सैलरी दे रहे हैं, साथ ही साथ आप माइनस करेंगे अगर एम्प्लॉई कुछ अमाउंट पे कर रहा है. और अगर व्हीकल है अदर देन अ कार, ऐसे में फुली ऑफिशियल पर्पस है तो निल, पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिशियल है तो एक्चुअल एक्सपेंसिस में से 900 माइनस कर दीजिए और अमाउंट रिकवर्ड माइनस कर दीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट. ठीक है जी. उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वही क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे
आपने मुझे बताना है कि जिस पार्ट की मैं बात कर रही हूँ वो पार्ट 111 है, 11B है, 11C है, या फिर 12A, 12B, 12C, या फिर 2A, 2B, 2C, या फिर 3A एंड 3B है, ये आपने मुझे बताना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे। चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। हमने इलस्ट्रेशन 13 स्टार्ट करी थी, इलस्ट्रेशन 13 ऑफ योर बुक। दो पार्ट्स कर लिए थे लेकिन मैं उनको रिपीट कर रही हूं। पार्ट ए, एक्स हैज बीन प्रोवाइडेड, एक्स हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल कार। एक्स को एक स्मॉल कार प्रोवाइड करी गई है फॉर ऑफिशियल वर्क, ऑफिशियल वर्क के लिए प्रोवाइड करी है। जो एक्सपेंडिचर है दैट इज रुपीज 18,000 बॉन पेड बाय एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर। हां जी, चैट बॉक्स आंसर बताइए। वैल्यू हियर विल बी निल, दीपिका सेज निल, एंड दिस इज विच पार्ट, विच पार्ट इज दिस, 11C, 11A, 11A। वेरी गुड रवीना शिवानी, निल क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए है, ऑफिशियल पर्पस के लिए वैल्यू विल बी निल, आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं देखना। Y has been provided with a car. Car की जो CC है that is 1.5 liter. That means it's a small car. और ये उसे दी गई है for personal use. देख रहे हैं आप? Personal use. Expenditure है rupees 12,000 paid by employer. एम्प्लॉयर पे कर रहा है एक्सपेंडिचर। जो कार की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द कार इज रुपीज 4,30,000। विच पार्ट इज दिस? अटेंडेंस बाद में देखेंगे भाई, साहिल अटेंडेंस की बात बाद में करेंगे, अभी लेक्चर की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। दिस इज योर फर्स्ट फर्स्ट बी, 11B, फुली पर्सनल पर्पस, फुली पर्सनल। तो फुली पर्सनल के केस में आप क्या करते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो ऐड करते हैं 12,000, साथ ही साथ आप ऐड करते हैं ड्राइवर की सैलरी, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर की सैलरी नहीं ले रखी तो यहाँ पर आप ड्राइवर की सैलरी कुछ नहीं लेंगे, और आप इसमें ऐड करते हैं 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। कार की कॉस्ट है 4,30,000, तो 4,30,000 का 10% हुआ 43,000। वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना निकल के आएगा? 55,000। वो चार्ट अपने सामने रखिए, अगर आप आंसर्स करना चाहते हैं तो आपको उस चार्ट को सामने रखना पड़ेगा। आपने X has been provided with a car, X को कार प्रोवाइड करी गई है above 1.6 liter, that means it's a big car, और साथ में उसको ड्राइवर भी दिया गया है along with driver, ड्राइवर भी दिया गया है, और कार दी गई है फॉर ऑफिशियल एज वेल एज फॉर पर्सनल पर्पस।
ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पसेस के लिए ये कार दी गई है. एक्सपेंडिचर इज रुपीज 52,000 पेड बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर पे कर रहा है. कॉस्ट ऑफ द कार इज रुपीज 9,50,000. हाँ जी, जल्दी से बताइए which part is this. One C. Nitish says 11C. Deepika says 11C. Absolutely. और 11C में हम क्या करते हैं? 11C क्या होता है? कार owned by employer. This is what? Owned by employer. कार employer की है. खर्चा भी employer pay कर रहा है. Paid by employer. And car used for official plus personal purpose. ये था आपके तीन parts का ये मतलब है. So इस case में आप क्या देखते हैं? इस केस में आप लंप सम देखते हैं. एक्चुअल एक्सपेंडिचर आप नहीं देखेंगे. एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखेंगे, नहीं देखना. कॉस्ट ऑफ द कार देखेंगे, नहीं देखना. दिस इज इररेलीवेंट. ये दोनों चीजें इररेलीवेंट है. यहाँ पर आपको लंपसम अमाउंट ले लेना है. और लंपसम अमाउंट कितना रहता है आपका? स्मॉल कार के केस में 1800 एंड बिग कार के केस में आपको 2400 पर मंथ लेना है. 2400 पर मंथ का मतलब क्या हुआ? 2400 into 12 कम्स आउट टू 2400 into 12 के साथ आप ड्राइवर की सैलरी ऐड करेंगे. ड्राइवर्स एक्सपेंडिचर, ड्राइवर का एक्सपेंडिचर कितना ऐड करेंगे? 900 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12. कम ऑन आंसर्स. 28,800 यही होगा. ऐड कर दीजिए 39,600. दिस इज योर वैल्यू ऑफ वर्क ऑफ मोटर कार. एनी डाउट स्टिल हियर? यहाँ पे आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं देखना. यहाँ पे आपको लमसम अमाउंट देखना है और उसके बेसिस पर कैलकुलेशन करनी है. अगर यहाँ पर आपको इम्प्लॉई से कुछ रिकवर हुआ होता तो क्या आप माइनस करते इन द चैट बॉक्स? नो. नंदिनी सेज नो. नितिश सेज नो. यस एब्सोल्युटली. क्योंकि यहाँ पर हम लमसम वैल्यू लेते हैं. यहाँ पर अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर हुआ होता तो हम उसको इग्नोर करते. अब डी पार्ट में वो क्या कह रहा है? डी में कह रहा है कि ऊपर वाला पार्ट सेम लीजिए और देखिए कि विल इट मेक एनी डिफरेंस. क्या कोई फर्क पड़ता अगर एक लॉग बुक बनाई जाती? अगर एक लॉग बुक होती. लॉग बुक इज मेंटेन्ड. लॉग बुक क्या होती है? लॉग बुक होती है जिसमें लिखा जाता है कि जो गाड़ी है वो कहाँ जा रही है, किस पर्पस के लिए जा रही है, किस टाइम पर जा रही है, किस टाइम पर आ रही है, कितने किलोमीटर चली, जब बिजनेस प्रेमिसेस से निकली कितने किलोमीटर चली. ये सब
लॉग बुक में मैंशन होता है, तो वो कह रहा है कि अगर एक लॉग बुक मेंटेन करी जाती और उसमें से ये पता चलता, एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड, उस लॉग बुक में से ये पता चलता दैट 30% यूज ऑफ कार, कि उसमें से 30% जो कार का इस्तेमाल है वो पर्सनल पर्पस के लिए है, इज फॉर पर्सनल पर्पस इन द अबव केस. अगर हम पिछले केस की बात करें तो पिछले केस में क्या कोई फर्क पड़ता अगर एक लॉग बुक मेंटेन करी जाती और उस लॉग बुक में से ये पता चलता कि जो कार का 30% इस्तेमाल है वो पर्सनल पर्पस के लिए है, तो आप क्या करते? तो क्या कोई फर्क पड़ता आपके आंसर में? हाँ जी, क्या फर्क पड़ता कुछ? चैट बॉक्स में बताइए. नो डिफरेंस इन द आंसर. पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए चलिए आप ये देखेंगे, और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये पता चल गया कि जो कार है वो 30% इस्तेमाल हुई है पर्सनल पर्पस के लिए. इस चीज से आपके आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन द सेम. आपको कैलकुलेशंस वैसे ही करनी है, आंसर विल रिमेन द सेम, दैट इज 39,600. कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं पड़ना था. ई पार्ट, व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर इन सी अबव? जो पार्ट हमने अभी यहां पर बात करी सी पार्ट की, उस केस में आंसर क्या रहता अगर जो एक्सपेंसेस हैं आर बोर्न बाय एम्प्लॉई? अगर ये एक्सपेंसेस एम्प्लॉई बियर करता, उस केस में आपका आंसर क्या रहता? हाँ जी, कौन सा पार्ट बन जाता है ये? अगर एक्सपेंसेस एम्प्लॉई बियर करता, कार एम्प्लॉयर की है, तो ये बन जाता 1, 2, C. नितिश, आपने 1, 1, B बोला है. बच्चे ध्यान से चेक कीजिए चार्ट. कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉई, पार्टली फॉर पर्सनल, पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस, दिस इज योर 1, 2, C. और 1, 2, C के केस में हम छोटी और बड़ी कार के केस में क्या लेते हैं? 600 और 900. 600 फॉर स्मॉल कार एंड 900 फॉर बिग कार. 900 फॉर स्मॉल कार, 900 फॉर बिग कार. और यहां पर कार है बिग, ये देखिए सी पार्ट, बिग कार है यहां पर. सो 900 पर मंथ प्लस ड्राइवर की सैलरी के लिए 900 और जोड़ेंगे पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12. दिस इज 21,600. दिस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. प्लीज डोंट मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. विशाल, बाद में बात करेंगे अटेंडेंस की, कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर. ऑडियो ऑफ कीजिए. एफ पार्ट, ए हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ कार. ए हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ कार. सीसी
above 1.6 liter, that means it's a big car, along with a driver. साथ में ड्राइवर है. फॉर ऑफिशियल प्लस पर्सनल यूज. चलिए जी, ठीक है. एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल पर्पस. सिर्फ पर्सनल पर्पस के जो एक्सपेंसेस हैं वो ए पे कर रहा है. ओनली पर्सनल पर्पस के एक्सपेंसेस 25,000. कॉस्ट ऑफ द कार इज 6,20,000. हां जी, कौन सा केस है? एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉई. Expenses are borne by employee. कौन सा पार्ट है? In the chat box, please. Which part is this? Owned by employer. Expenses paid by employee. Car used partly for official, partly for personal. 1, 2, C. भाई कार देखिए ना, किस पर्पस के लिए यूज हो रही है. Why is it B? दीपिका, Why is it 1, 1, B? Official and personal use is C. Expenses met by employee, यहाँ पर 2 आ जाएगा. और कार किसकी है? Employer की. तो 1, so 1, 2, C is the answer. और 1, 2, C के केस में big car के लिए 900, small car के लिए 600. 900 क्योंकि ये big car है. Driver की salary के लिए 900 add कीजिए into 12. यहाँ पे cost of the car का कोई फायदा नहीं हमें. This is irrelevant. Expenses are irrelevant. Your answer is 21,600. जी, X owns a small car. यहाँ पर car employee की है. तो अब हम यहां पर सेकंड पार्ट में आ गए हैं. X owns a small car. He uses it for official as well as private purpose. Official और private आ गया. That means कौन सा पार्ट है ये आपका? सेकंड का, फर्स्ट का, सेकंड का, सी. दिस इज योर सेकंड का सी पार्ट. हां जी, चार्ट देखिए भाई रेफरेंस के लिए. Let me show you the chart. Here it is. ये देखिए, car owned by employee, expenses paid by employer, partly official, partly प्राइवेट. ये पार्ट बनता है ना भाई, सेकंड का सी पार्ट बनता है ये. तो चार्ट सामने रखेंगे तो ही पॉसिबल हो पाएगा इसके आंसर को करेक्टली फाइंड आउट करना, वरना मुश्किल हो जाएगा बेटा.
सेकेंड का सी, ठीक है। और इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो कि 50,000 है, मेट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, सेकेंड का सी पार्ट है ये। और सेकेंड के सी पार्ट में आप क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इज व्हाट, जितना भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है आप उसमें से माइनस करते हैं क्या, माइनस करते हैं क्या स्मॉल और बिग कार के हिसाब से, स्मॉल कार के लिए 1800 एंड बिग कार के लिए 2400। स्मॉल कार है, स्मॉल कार के लिए आप 1800 पर मंथ माइनस कर देंगे। ड्राइवर की सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो ड्राइवर की सैलरी के लिए कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर है आपका 50,000 पर मंथ, सो इस हिसाब से आपका कितना आ जाएगा, 50,000 माइनस 1800 दैट इज 28,400 पर मंथ विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से आप 1800 फॉर स्मॉल कार माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आपका एच पार्ट आता है। एच पार्ट में हम कुछ थोड़ा सा हटके करेंगे, ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, सो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। एच पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि विल इट मेक एनी डिफरेंस, क्या कोई फर्क पड़ेगा अगर यहां पर एक लॉग बुक बनाई जाए, लॉग बुक बनाई जाए, is maintained and established, और logbook देखकर ये पता चले कि जो 40% of जो car का इस्तेमाल है is for personal purpose, वो personal purpose के लिए था, और जो employer है यहाँ पर certificate दे to this effect, और employer certificate दे रहा है कि हाँ जी जो कार है वो 40% इस्तेमाल करी गई है। तो देखिए ये पार्ट हमने यहां पर भी किया था कि 30% ऑफ द कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, यहां पर देखिए क्या है, अगर तो कार ओन्ड बाय employer है तो वहां पर आप लॉग बुक नहीं देखेंगे, यहां पर आप लॉग बुक नहीं देखेंगे, लेकिन अगर कार एम्प्लॉई की है तो यहां पर आप लॉग बुक चेक करेंगे, और लॉग बुक चेक करके अगर एम्प्लॉयर, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट देता है कि आपने कार इतने प्रतिशत पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करी है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप टोटल खर्चे का, आप टोटल एक्सपेंडिचर का 40% जो है उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, पर्सनल पर्पस वाले के ऊपर टैक्स लगा देंगे। सो यहां पर आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना था, 50,000। सो यहां पर जो टैक्सेबल परक्विजिट होगा, your taxable perk will be 50,000 का 40%, that is आपका 20,000 के ऊपर tax लग जाएगा। इस केस में और इस केस में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 30% से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, यहाँ पर 30% से कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि कार एम्प्लॉयर की थी और सर्टिफिकेट भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर कार एम्प्लॉई की है और एम्प्लॉयर सर्टिफाई भी कर रहा है, So, यहां पर आप टैक्सेबल पर्क की वैल्यू डायरेक्टली ले लेंगे, जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसका 40%। प्लीज अपना चैट बॉक्स बंद कर दीजिए।
नितिश मैम मल्टीप्लाई 12 नहीं करना। हाँ जी नितिश बिल्कुल करना है, 28,400 ये पर मंथ है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके फुल ईयर का कैलकुलेट कर लीजिए। आई एक्स ओन्स अ बिग कार, बिग कार है उसके पास और वो उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा है। 32,000 के जो एक्सपेंसेस हैं ये एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इज दिस, वैल्यू ऑफ पर्क इज दिस। एनी प्रॉब्लम